स्टूडेंट्स देखिए, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल है, जिसको हिंदी में समय और कार्य भी बोल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो मैंने बताया है पहले भी और अब मैं बता रही हूँ, उसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है कि पानी की एक टंकी ए नल द्वारा 40 मिनट में तथा बी नल द्वारा 30 मिनट में भरी जा सकती है। यदि सी नल उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है तो खाली टंकी कितने तीनों नलों के खुलने पर कितने मिनट में भर जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारा तीन नल खुला है एक टंकी को भरने में, दो नल से पानी भर रहा है और एक नल जो है खाली कर रहा है, एक नल को बंद कर खाली करने के लिए है और दो नल भरने के लिए है। अब पूछा जा रहा है कि तीनों नल को यूज करने से ये टंकी कितने देर में भरेगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो ए जो है ए नल द्वारा एक मिनट में, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि एक मिनट में कितना देर में भरेगा। एक नल भरता है, ए जो है 40 मिनट में टंकी भरता है, ठीक है ना, और बी जो है 30 मिनट में भरता है, ठीक। तो एक मिनट में कितने, और सी जो है सी 20 मिनट में खाली करता है इस नल को, इस टंकी को। तो तीनों नल एक मिनट में कितना पानी भरेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जो ये तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये एक मिनट में 40 मिनट में एक ये टंकी भर रहा था और ये 30 मिनट में, तो एक मिनट में हमने निकाला है 1/40 पार्ट ऑफ 1/30, 1/20 हो जाएगा। तो तीनों नल क्या करेंगे, 1/40 प्लस 1/30 माइनस 1/20, क्योंकि ये नल क्या कर रहा है, ये नल खाली कर रहा है और ये नल भर रहा है, तो हम लोग जो खाली करने वाला नल है उसको माइनस करेंगे। 1/40 प्लस 1/30 माइनस 1/20, यही चीज़ सीखना है आप लोग को। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे 40, 30, 20 का और उसके बाद सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये आप लोग देख लेंगे। और तो यहाँ पर क्या आ गया, एक मिनट में 1/20 हो गया, सॉल्व करेंगे 1/20 हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को देखते हैं, 1/20 एक मिनट में, इसको ऐसे लिखते हैं 1/20 जो है एक मिनट में, तो 1/20 ऐसे कर देंगे, 1/20 सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये डिवाइड है, दो बार डिवाइड आए, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये दोनों एक साथ था, यहीं पे सॉल्व करना है 1 × 120/1, तो यहाँ पे 1 कट गया, क्या बचा 120 मिनट। तो क्या हुआ कि इससे क्या पता चला कि एक नल जो है 120 मिनट में तीनों नल मिलके इस टंकी को भर देते हैं, एक खाली करने वाला और दो भरने वाला। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर मेरा वीडियो समझ में आया हुआ तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।